हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा को, जिसका टाइटल होने वाला है ए वर्चुअस बिजनेस। एपिसोड इस रात में ड्यूमजी नाम की जगह में देखते हैं। पड़ोस की महिलाएं आपस में बात कर रही थी और असेंबली मैन के चुनाव के बारे में बात करती हैं। बाद में ये हमारी मेन हीरोइन को देखते हैं, इसका नाम जोंगसुक होता है, जो अपने प्रोडक्ट को बेच रही थी। जोंगसुक बाद में इनके पास आ गई थी और अपने टॉय को बेचती है। फिर जोंगसुक अपने घर पर आ गई थी। यहाँ पर हम जोंगसुक के पति को देखते हैं, इसका नाम जोंगसुक होता है, जो कि अब जोंगसुक को देखता है और कह रहा था कि तुम इन टॉयस को क्यों बेचती रहती हो, इन्हें कोई खरीदता भी नहीं है। बाद में हम यहाँ पर इनके बेटे को देखते हैं, इसका नाम मिन्हे होता है। अगले समय से बाहर जा रहे थे, जोंगसुक फैक्ट्री में काम करता है इसलिए फैक्ट्री में चला गया था। जोंगसुक मिन्हे को लेकर स्कूल में आ गई थी और यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था। जोंगसुक से हमारी एक महिला मिलती है, इसका नाम योंगबुक होता है। योंगबुक अब जोंगसुक से कहती है, तुम बहुत ही सुंदर हो, मैं भी अपने बेटे के लिए यहाँ पर आई हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं और एक बच्चा मेरी पीठ पर है। बाद में तीसरे अब योंगबुक के पास आती है और यह कहती है कि तुमने अपने बच्चे के प्रोग्राम के लिए पैसे नहीं दिए हैं। योंगबुक कहती है कि मैं कल दे दूंगी। योंगबुक बाद में जोंगसुक से यह कहती है कि यह टीचर सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है, दूसरे पेरेंट्स के लिए अच्छी है लेकिन मेरे लिए कोल्ड है। बाद में योंगबुक चली जाती है। जोंगसुक अपने बेटे के बैग को देख रही थी। अगले सीन में एक और महिला को देखते हैं, इसका नाम जूरी होता है, जो कि अपनी हेयर सैलून के शीशे को साफ कर रही थी। पास से एक आदमी साइकिल लेकर जा रहा था और ये जूरी को देखता है और बाद में एक ठेले से टकरा आ गया था। जूरी फिर अंदर आती है और दो महिलाओं से बात करती है। बाहर जो आदमी साइकिल पर था, जो नीचे गिर गया था, वो यहाँ पर हेयर सैलून में आ गया था और इसके सामान को लेकर आ था और यहाँ पर यह कह रहा था कि मैं तुम्हारी जैसी गाड़ी से टकरा गया था। जूरी कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है। आदमी यह कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर ऐसे कपड़े पहने हुए थे और मैं तुमको देख रहा था। जूरी बाद में आदमी को नहीं कहती है और यह कहती है कि आगे से मैं कपड़े नहीं पहनूंगी। आदमी कहता है, तुम्हें कैसी बात कर रही हो, तुम्हारा पति नहीं है, तुम अकेली माँ हो और अपने बेटे को पाल रही हो। जोरी भी इसके पास आती है और यह कहती है कि तुम्हारी पति यहाँ पर ऐसे ऐसे बाल बनवाती है, तुम तो उसे कभी कुछ नहीं कहते, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं जो भी करना चाहूंगी मैं वही करूंगी। अगले सीन में एक और महिला से मिलते हैं, इसका नाम ग्यूम ही होता है, साथ में इसका पति भी होता है, इसका नाम वोन बोंग होता है, जो कि एक फार्मासिस्ट होता है। जोंगसुक भी नहीं घर पर होती है और नौकरानियां काम कर रही थी। ग्यूम भी बोंग से कहती है किसी भी फिल्म देखने चलते हैं, वह फिल्म बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, लेकिन अपन बोंग कहता कि नहीं, मुझे बच्चे पसंद नहीं है, तुम अपनी मनी को वेस्ट मत करो। बाद में चला गया था। जोंगसुक भी काम करके जा रही थी। ग्यूम भी कहती है कि आज तुम जल्दी जा रही हो। जोंगसुक कहती है कि आज स्कूल में पहला दिन था और मुझे किराने का सामान खरीदना है, वैसे मेरी पेमेंट कहाँ पर है। ग्योनी बाद में इसको पेमेंट दे देती है। बाद में जोंगसुक मार्केट में आती है, पहले अपने बैग को देखती है और मिन्हो के लिए खरीदना चाहती है, लेकिन ये बहुत ही महंगा होता है और ऐसा नहीं कर पाती। बाद में कुछ मीट खरीद लेती है और घर पर आती है। मीट को जिस अखबार में लपेटा गया था, इसमें एक एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि लिंगरी के सेल्स के लिए होती है। तभी जोंगसुक देखती है कि अब जोंगसुक आ गया है। जोंगसुक भी अपनी इसको देखती है और कहती है, क्या हुआ है, क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ था। जोंगसुक कह रहा होता है कि मैंने फैक्ट्री के मालिक के साथ लड़ाई कर ली थी। जोंगसुक कहती तो क्या हुआ, क्या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और पेमेंट के बारे में क्या, क्या तुम्हें पेमेंट नहीं मिली। जोंगसुक मना कर देता है। जोंगसुक बाद में इसको सुना रही थी और कहती है कि मैं यहाँ पर किराए का पैसा भी देना है। जोंगसुक चिल्लाता है और कह रहा था कि मैं जानता हूँ, मुझे कोई और नौकरी मिल जाएगी। अगले समय जोंगसुक एक जॉब के लिए आती है और यहाँ पर इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन आदमी ने पहले कह दिया था कि जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है उन्हीं को हम काम पर रखते हैं। बाद में जोंगसुक चली जाती है और फिर अपने घर पर आती है। मकान मालिक यह कहती है कि तुमने भुगतान नहीं किया है। जोंगसुक कहती है कि मैं कल दे दूंगी। रात को बाद में जोंगसुक अपने पैसे देख रही थी, लेकिन यहाँ पर यह देखती है कि पैसे यहाँ पर नहीं होते। फिर रात को जोंगसुक को देखते हैं जो अपने घर पर आ रहा था और नशे में होता है। सामने अब जोंगसुक होती है और यह कहती है कि यह तुमने पैसा ले लिया था। जोंगसुक यहाँ पर हाँ मरता है और कह रहा था कि मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। जोंगसुक कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, अब मकान मालिक इनको क्या देंगे। जोंगसुक कह रहा होता है कि यह तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया है, तुम जो भी करती हो सही होता है, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ गलत होता है, तुम मुझे नीचे दृष्टि से देखती हो, तुम भी औरों की तरह ही हो। बाद में नाराज हो गया था वो चला गया था। शाम को जोंगसुक मिन्हो के पास होती है और यहाँ पर लिंगरी वाली एड को देख रही थी। अकेले से जोंगसुक की आत्मा अखबार होता है पूरी जगह पर आ गई थी, जिसके बारे में एडवर्टाइजमेंट होती है। अपने मुंह को छुपाते हुए किसी तरह यहाँ पर आ गई थी, लेकिन अंदर नहीं जाना चाहती, बातें अपनी जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर जोंगसुक आती है और यह कहती है कि तुम भी यहाँ पर हो, फिर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन जोंगसुक कहती है कि नहीं, अंदर से पेंट और बराहूंगी। जोंगसुक कहती है कि तो क्या हुआ। जोंगसुक कहती है कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन जोंगसुक इसको ले जाती है और अब सभी महिलाएं अंदर होती हैं। मीरन नाम की महिला
जो कि शो की सीईओ होती है, वह अपनी सब दिखा रही थी। सभी महिलाएं उठकर चली जाती है। बाद में जोंगसू भी जा रही थी, मिरर अपनी स्पीच देती है और यहाँ पर ये कहती है कि यदि मैं अगर पैसे कमाने के लिए नहीं आई थी। जोंगसू कहती है कि मैं उसी के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मिन को कैसे बेचूं। मिरर ने पहले ये बताती है कि मैंने 10 साल पहले काम शुरू किया था, जेम्स नाम के आदमी ने मेरी हेल्प की थी। हम ये अपनी सीन देखते भी है कैसे ही होता है। मिरन यह कहती है कि सियोल में मेरी बहुत बड़ी शॉप है, मैं 10 साल से यह बिजनेस कर रही हूँ। बाहर तुमने एक नई गाड़ी खड़ी देखी होगी, वो मेरी ही है। बाद में इनको प्रोडक्ट देती है और बेचने के लिए कहती है। साथ में आपकी ये भी कहती है कि जब तुम प्रोडक्ट बेच लोगी तो मेरे पास पैसे ले आना और मैं तुम्हें तुम्हारे काम करने का पैसा दे दूंगी। तुम्हें डोर टू डोर जाना होगा और इनको बेचना होगा। फिर ये दोनों प्रोडक्ट को लेकर बाहर आ गए थे। योंगबुक यह कहती है कि जब मैं प्रोडक्ट को बेच दूंगी तो मैं पैसों को ये करने वाली हूँ। जोशु भी अपनी ये कहती है कि मैं तो अपने बेटे के लिए बैग खरीदूंगी और साथ में मकान मालिक इनको पैसे देने होंगे। तभी पास एक आदमी गाड़ी लेकर जा रहा था जो कि हमारा मैल्यूड हीरो होता है, इसका नाम दोहयून होता है। ये दोनों भी इसको देखते हैं और ये कहते हैं कि यह नया आदमी यहाँ पर कौन है। योंगबुक यह कहती है कि वैसे क्या हमें नहीं बेच पाएंगे। जोशु इसे कॉन्फिडेंट करती है और ये कहती है कि हमें करना ही होगा, हम इसके लिए पहले ट्राई करेंगे। दोहयून गेमजी में आ गया था, पास में कई सारी महिलाएं बैठी हुई थी जो कि इसको देख लेती हैं और फिर इसको ही देखती रहती हैं। दोहयून इनके पास आता है और कह रहा था कि अब पासमोटी हाउस कहाँ पर है। एक महिला इसको बता देती है, लेकिन दूसरी महिला इसको पकड़ लेती है और ये कहती है कि मेरा स्टोर है, मैं भी और चाय बनाती हूँ, तुम पी सकते हो। लेकिन ये अपनी मना कर देता है। अकेले इसमें ग्योमी को देखते हैं जो भी जोंगसुक से बात करती है और ये कहती है कि तुम मेरे पति के कपड़ों को प्रेस कर देना, उनकी कुछ प्लानिंग है। जोंगसुक कहती है कि वे कहाँ पर जाने वाले हैं। ग्योमी कह रही थी कि वे रॉयल क्लब के मेंबर हैं और उसी के लिए जाने वाले हैं। मैं तुम्हारे काम की घंटे इंक्रीज करना चाहती हूँ, लेकिन जोंगसुक यह कहती है कि मैं साथ में और काम भी करती हूँ, डोर टू डोर प्रोडक्ट को बेचना चाहती हूँ। क्या मैं इसके लिए आपका घर यूज कर सकती हूँ, इसके बदले मैं आपको पैसे भी दे दूंगी। गयोनी कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, वैसे तुम बेचने वाली क्या हो। जोंगसुक ने इसको दिखा दिया था और गयोमी से वैसे बाहर निकाल देती है और यह कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। जोंगसुक यह कहती है कि यह तुम्हारे लिए नया एक्सपीरियंस होगा और साथ ही मजा आएगा। गयोमी यह कहती है कि तुम तो जानती हो कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ और मैं खुले विचारों वाली नहीं हूँ। ये कहकर गयोनी चली जाती है। अगले इसमें दोहयून को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है। अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि यह डिटेक्टिव होता है और इसका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। साथ में यहाँ पर योंगसिक भी होता है और यहाँ सोंगजे भी होता है। योंगसिक सिपाही टाटा को देखता है और ये कह रहा था कि तुम तो बहुत ही कैपेबल हो, तुमने तो बहुत ही लंबी पढ़ाई की हुई है, पता नहीं तुम इस कंट्री साइड इलाके में क्यों आए हो। दोहयून ने कह दिया था कि मैं किसी अच्छी जगह की तलाश कर रहा था, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। बाद में दोहयून बाहर आ गया था और यहाँ पर पेंटिंग को देख रहा था। अगले इसमें ग्योमी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और बॉम के लिए खाना बना रही थी। यहाँ पर रात हो गई थी लेकिन वो नहीं आया। बाद में काफी टाइम के बाद वो आ गया था और यहाँ पर ये बता रहा था कि मैंने इस कलम में क्या किया था, आज मैं मोर लगाने वाला ही था लेकिन ऐसा नहीं, उसका इसमें गलती तुम्हारी भी है, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। अगर तुम रॉयल क्लब के मालिक की पत्नी जिसका नाम यंगजा है उसके साथ अच्छी रिलेशन बनाती तो ऐसा नहीं होता। ग्योमी यह कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना बना था, तुमने फोन क्यों नहीं किया कि तुम लेट आने वाले हो। बॉम यह कह रहा था कि ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्योमी बाद में इस बात को याद कर रही थी जो कि जोंगसुक ने कहा था कि तुम्हारे लिए नया एक्सपीरियंस होगा और तुम्हें मजा भी आएगा। अगले इसमें जोंगसुक को देखते हैं, साथ में इसका पति होता है, साथ में जोंगसुक स्कूल के दोस्त होते हैं, लड़की का नाम बीवा होता है और लड़के का नाम इंतायो होता है। बाद में जोंगसुक का फोन बज रहा था। ग्योमी यह कहती है कि तुम मेरे घर पर आकर सामान को बेच सकती हो, मास पड़ोस की महिलाओं से इसके बारे में बात करूंगी। अगले इसमें ग्योमी जूरी के पास आती है और यहाँ पर हेयर कट करने के लिए कहती है। जूरी कहती है कि मैं कैसे करूं, लेकिन ग्योमी कहती है कि मुझे नहीं पता है, कल एक सेल्स प्रोग्राम होने वाला है उसी के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। जूरी कहती है कि ठीक है तुम मुझे बता दो कि यह प्रोग्राम किस बारे में होगा। ग्योमी ये कहती है कि हम लिंगरी सेल्स करने वाले हैं। जूरी हैप्पी हो गई थी और यह कहती है कि मैं भी वहाँ पर आऊँगी। ग्योमी कहती है कि ठीक है। बाद में यहाँ पर यंगजा भी आ जाती है। यंगजा ग्योमी से यह कहती है कि तुम कैसा हेयर कट करवा रही हो, क्या तुम मेरी कॉपी कर रही हो। तभी जूरी यहाँ पर यह कहने वाली होती है कि लिंगरी सेल्स प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन इससे पहले यंगजा बोल पड़ती है और यह कहती है कि मेरी बेटी सियोल से आने वाली है और मैं बिजी हो जाऊंगी, मैं नहीं आ सकती। अगले इसमें जोंगसुक को देखते हैं जो बैग बाहर ले आई थी और बाद में बस में होती है, लेकिन तभी वो टीमिला को देखती हुई इसकी हेल्प कर रही थी, फिर यहाँ पर बस उतर गई थी। लेकिन यहाँ पर ये देखती है कि मैं तो मेरा बैग बस में भूल गई हूँ। जोंगसुक बस वाले को चिल्ला रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी पास में गाड़ी को देखती है जो कि दोहयून की होती है। दोहयून गाड़ी के पास ही होता है। जोंगसुक इसके पास आती है और कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, बस में मेरा सामान रह गया है, वह सामान मेरी आखिरी उम्मीद है। दोहयून बाद में इसकी हेल्प कर रहा था और बाद में किसी तरह बस के पास आ गए थे।
जो उसी बैग को बाहर ले आई थी और बाद में सामान को चेक करती है। वो दोयन को थैंक यू कह रही थी, लेकिन तभी बैग आसमानी से गिर गया था और बाद में दोयन देख रहा था। जेंगसू भी जल्दी जल्दी में चुप रही थी। दोयन भी इसकी हेल्प करता है। जेंगसू बाद में दोयन की ओर देखती है। दोयन के हाथ में रस्सी होती है, साथ में चाबुक होता है और कह रहा होता है कि क्या ये तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। जेंगसू भी इनको ले लेती है और यह कहती है कि हाँ ये मेरी आखिरी उम्मीद है, लेकिन मैं अभी तुम्हें समझा नहीं सकती। बाद में ये फिर से थैंक यू कहती है और भाग जाती है। अगले इसमें जेंगसू भागती हुई योमी के पास आ गई थी। जेंगसू कहती मुझे माफ करना, मैं लेट हो गई हूँ। लेकिन ग्योमी कहती कोई बात नहीं है, मुद्दा यह नहीं है, यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं और यहाँ पर यंगजा भी आ गई है जो कि रॉयल क्लब की मालिक की पत्नी है और साथ में उसकी बेटी भी है। जेंगसू यहाँ पर इनको देखती है और यह कहती है कि इसकी बेटी तो सोयोन है जो कि मेरी हाई स्कूल की दोस्त है। ग्योमी कहती है कि अब हम क्या करें, क्या तुम अंडर ईयर तक सीमित नहीं रह सकती। लेकिन जेंगसू कहती है कि नहीं, तुम चिंता मत करो, मैंने इसके लिए घर पर प्रैक्टिस की है। ग्योमी कहती है कि वैसे तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं। जेंगसू कहती है कि बस ऐसे ही। जेंगसू बाद में यहाँ पर योंगबो को बुला लेती है और ये दोनों अपने सामान को सेट करते हैं और बाद में इनके पास ला रहे थे। पहले यहाँ पर जेंगसू ऐसा नहीं कर पाती और पीछे हो जाती है, लेकिन तभी सोयोन इसको देख लेती है। महिलाएं भी जेंगसू को देखती है और ये कहती है कि तुम तो एक अच्छी महिला हो, तुम अंडरवियर और क्यों बेच रही हो, वैसे देख तो ले कि ये कैसी है। बाद में जेंगसू वैसे ही करती है और बरा और पैंटी को इनके सामने ले आई थी। जूरी तो इनको देखकर हैप्पी हो गई थी और बाद में चेक करती है और महिलाएं भी इनको चेक करती हैं। एक महिला एक चीज को उठाती है और यह कहती है कि यह तो नेकलेस है, बाद में इसको पहन लेती है। लेकिन जेंगसू की यह कहती है कि ये पैंटी है। महिला बाद में इसको घेर देती है। यंगजा भी एक पैंटी को देखती है और कहती है कि ये क्या है, इसका कोई बेस ही नहीं है। जेंगसू को हिचकी आ रही थी और यह कहती है कि मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया है। यंगजा ग्योमी से यह कहती है कि तुम्हारे घर पर ये चीजें बेची जा रही हैं, क्या तुम सरप्राइज नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ग्योमी कहती है कि नहीं, मैंने बुजरा पढ़ाई की है, इनके बारे में मैंने पहले स्टडी कर ली थी, इसलिए मैं जरा भी सरप्राइज नहीं थी। यंगजा बाद में ग्योमी के पास आ गई थी और इसकी नकल करती है, किसी को यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आता और बाद में सिर्फ बैठ जाते हैं। जेंगसू बाद में बैग को देख रही थी और यहाँ पर यह कहती है कि भी दिखाने के लिए और कुछ भी है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, बाद में इसको बाहर ले आई थी, जो कि वाइब्रेटर होता है। एक महिला वाइब्रेटर को देखती है और कहती है कि ये क्या है, क्या ये मिर्च पीसने की मशीन है। लेकिन जेंगसू कहती है कि नहीं, इसे मसाज की जाती है। महिला कहती है कि ठीक है, इसे चेहरे की मसाज हो जाती है। लेकिन जेंगसू यह कहती है कि चेहरे के लिए नहीं है। सोयोन को पता होता है कि क्या होता है और ये जूरी को बताती है। जूरी बाद में चौंक जाती है और दूसरी महिला को बताती है कि क्या है। यंगजा चिल्लाती है और कहती है इसे दूर फेंको। जेंगसू एकदम से वाइब्रेटर छोड़ देती है। एक महिला बाद में इसको उठा लेती है और चेक करती है कि क्या है, लेकिन तभी चल पड़ा था। महिला यहाँ पर एक दूसरे को फेंक रही थी और साथ में चिल्ला रही थी। जेंगसू बाद में वाइब्रेटर उठा लेती है और इसे बंद करती है। अगले इसमें महिलाएं चली गई थी। जेंगसू इस बात से अपसेट हो जाती है कि किसी ने कुछ भी नहीं खरीदा। लेकिन बाद में सोयोन यह कहती है कि मैं एक वाइब्रेटर लेना चाहूंगी। इस बात से सभी हैप्पी हो गए थे। जोर भी लिंगरी को सिलेक्ट कर रही थी, लेकिन तभी बार को बैल बजा रहा था। बाद में बारह पर देखते हैं और यह दोनों होता है, साथ में शिवंजी होता है। शिवंजी कह रहा था कि हमें पता चला है कि तुमने घर को बेचा घर बना दिया है, हमें चेक करना है, यहाँ पर तुम असली चीजें बेच रहे हो। सोयोन यह कहती है कि मेरी माँ होगी, उसी ने कम्प्लेन की होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जेंगसू भी दोयोन को देखती है, दोयोन भी इसको देख लेता है। जेंगसू बाद में इसको बोल रही थी। सोयोनजी दोयोन को कह रहा होता है, तुम इसको जानते हो। दोयोन कह रहा होता है कि माँ जी मिले थे, बाद में करके अंदर आ गए थे और यहाँ पर चेक कर रहे थे, हालांकि इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सोयोनजी यहाँ पर यह देखता है कि पास के रूम में कोई होता है, बाद में चेक करने के लिए आता है और यहाँ पर जोरी होती है जो कि लिंगरी में होती है और फिर यहाँ पर चिल्लाती है। सोयोनजी यहाँ पर इसको देख रहा था और बाद में चला गया था। बाहर दोयोन भी जेंगसू के बैग को देख रहा था। दोयोन को पहले से बताता है इसके अंदर क्या है। जेंगसू भी दोयोन को देख रही थी। बाद में पर सोयोनजी आता है और दोयोन से कह रहा होता है कि यह तुम्हें कुछ मिला है, लेकिन ये मना कर देता है, फिर ही चले गए थे। महिलाएं बाद में यह कहती हैं कि वैसे वाइब्रेटर कहाँ पर गए। तभी जूरी बाहर आती है और यह कहती है कि वाइब्रेटर यहाँ पर है, मुझे बताता कि ऐसा हो सकता है। बाद में वाइब्रेटर चालू करती है, लेकिन तभी घर के अंदर एकदम से बोंगा गया था और बाद में चिल्लाता है और इनको बाहर जाने के लिए कह रहा था। अगले इसमें सोंगसू को देखते हैं, साथ में इसका दोस्त होता है। दोनों रेस्टोरेंट में शराब पी रहे थे। पास के आदमी यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि आजकल महिलाएं यहाँ पर सेक्स टॉयज को बेच रही है। सोयोनजी समझ गया था कि इसमें मेरी पत्नी भी है। इसका दोस्त यहाँ पर कह रहा था कि ये महिलाएं सेक्स टॉयज को बेच रही हैं, तो ये कितनी सेक्सी होंगी, हमें उनके साथ खेलना चाहिए। सोयोनजी बहुत ही गुस्से में आ गया था और यहाँ पर इसको मारने वाला होता है, लेकिन ऐसा नहीं करता। अगले सोयोनजी को देखते हैं जो अपने घर पर आती है और यहाँ पर सोयोनजी होता है जो किसी ये कह रहा था
कि तुम तो बहुत ही बिजी होगी क्योंकि तुम सेक्स टॉयज को बेच रही हो। जेंगसू कहती है कि मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन ये मेरा बिजनेस है। लेकिन जेंगसू कह रहा होता है कि तुम वैसे का बिजनेस कर रही हो। जेंगसू कहती है तुम भी यही कह रहे हो। जेंगसू कहता है कि और मैं क्या कहूँ, क्या तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि मैं जॉबलेस हो गया हूँ। जेंगसू कहती है कि हाँ ऐसा भी है, मुझे अब किराए का पैसा देना है इसलिए मुझे सब करना होगा। जेंगसू भी यह कह रहा था कि लोग इस बारे में सही कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी है। बाद में शोंगसू घर से बाहर चला गया था। अगले से बॉम भी गेमी से बात करता है और ये कह रहा था कि अपने घर को वैसे मत बनाओ और यहाँ पर ऐसी चीजें मत बेचो। बाद में चला गया था। अगले से यहाँ पर गेमी होती है, साथ में जोंगसू होती है और यहाँ पर और मिलाई भी होती है। गेमी इनको इनका सामान देती है जो कि इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया था क्योंकि उस दिन यहाँ पर बॉम आ गया था। गेमी जोंगसू को पैसा देती है लेकिन जोंगसू भी यह कहती है कि पैसा बहुत ज्यादा है। गेमी ये भी यह कहती है कि मैंने यह चीज खरीद ली है, अब मैं अपने पति की नहीं सुनने वाली, मैं वही करूंगी जो कि मैं चाहती हूँ। अकेले में शोंगसू को देखते हैं, साथ में युवा होती है, साथ मिंताए होता है। शोंगसू ने इनको बता दिया था क्या हुआ है और जोंगसू क्या बेच रही है। वही हम जोंगसू को देखते हैं जो अपने घर पर आती है और पैसों को देख रही थी। फिर बाद में युवा और इनताए से मिलने के लिए आती है लेकिन यहाँ पर यह देख लेती है कि यहाँ पर शोंगसू और युवा इंटीमेट हो रहे हैं। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 2 में जो कल आने वाला है, तब तक के लिए बाय।